सब्सक्राइब करें मिकेश सिन्हा रीजनिंग गुरु चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल बटन दबाएं। तो आज मैं आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर को लेके आया हूँ। आज के डेट में अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की तैयारी के लिए सिटिंग अरेंजमेंट सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है, क्योंकि बैंक के पीटी हो या मेंस हो, इन सारे एग्जामिनेशन में सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से कुल मिला के आपको 20 से 25 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों को हम लोग किस तरह से कैसे बनाएं, उसके लिए हम लोग ने कुछ पजल के वीडियोस पहले मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर चुका हूं। आज से मैं आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट का सेशन लेके आ रहा हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट को जानेंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट है क्या और सिटिंग अरेंजमेंट में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सा प्रश्न आता है और उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। यह एक सेशन शुरू हुआ जो अब आपका अभी से लगातार ये चलता रहेगा और मैं आपको सारे सिटिंग अरेंजमेंट्स के एक एक सेक्शंस के सारे क्वेश्चंस को डील करता जाऊंगा और उसके कंसेप्ट को भी देता जाऊंगा। साथ साथ मैं आपको बहुत सारा ट्रिक्स भी दूंगा जिसके द्वारा जो है आप परीक्षा के दौरान क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो सिटिंग अरेंजमेंट में जो पूछा जाता है वो आपको कुल मिला के 5 तरह का प्रश्न आता है। पहला एक सवाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि देखो ये स्ट्रेट लाइन का प्रश्न है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा। दूसरा जो होता है वो होता है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन यानी दो समानांतर रेखा। तीसरा जो है यहाँ पर आएगा जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल, सर्कल बेस्ट क्वेश्चन। चौथा जो हो गया वो आपका हो जाता है स्क्वायर टेबल, या फिर आप इसको रेक्टेंगुलर टेबल के रूप में भी ले सकते हैं। और जो पांचवा होता है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन के क्वेश्चन को आप जैसे आप फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो वो जो फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको हम लोग यहाँ पर वर्टिकल लाइन में रखते हैं। ये दोनों जो है ये 5 तरह के प्रश्न हो गए, 5 तरह के प्रश्न है ये सिटिंग अरेंजमेंट के 5 टाइप्स हुए। अब जैसे ये जो सारे स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन है, सर्कल है, स्क्वायर टेबल है, रेक्टेंगुलर टेबल है, वर्टिकल लाइन है, इनको मैं एक एक करके आपको सारे वीडियोस में बताता जाऊंगा कि इसके प्रश्न कैसे आते हैं, इसके साथ साथ इनके प्रश्नों को हम लोग क्या कैसे सॉल्व करते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, कितने प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। कि देखो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है या पैरेलल लाइन है या सर्कुलर टेबल है या स्क्वायर टेबल है या जो वर्टिकल लाइन है, इसके क्वेश्चन क्या है और कैसे बनाते हैं। आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन नहीं, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पैरेलल लाइन से, क्योंकि पैरेलल लाइन का क्वेश्चन जो है आरआरबी के एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछा जाता है और साथ साथ बाकी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी उसको आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आज मैं पहले सेशन में आपको पैरेलल लाइन बताऊंगा, फिर मैं उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन, फिर सर्किल, फिर स्क्वायर टेबल एंड देन वर्टिकल लाइन। ये एक पूरा सीरीज चलता जाएगा, आप मेरे सारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए जिससे आपका जो ये चैप्टर है ये पूरा चैप्टर कवर कर जाएगा। आइए अब हम लोग सबसे पहले पैरेलल लाइन के कंसेप्ट को देखते हैं। पैरेलल लाइन के प्रश्न को बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे पैरेलल ले लिखा। सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं या सीखते हैं कि देखो प्रश्न कितने तरह का पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, कि देखो समस्या का प्रकार कितने कितने प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। नॉर्मली आप लोग जानते हैं कि जैसे ये जो प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है कि आप प्रश्न में देखते हैं दिया रहता है कि 10 लोग हैं या 8 लोग हैं या 12 लोग हैं या 14 लोग हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मैक्सिमम 14 तक जाता है। तो नंबर ऑफ पर्सन, पहले तो ये हम लोग देखें यहाँ पर, देखो एक चीज़ क्या होता है नंबर ऑफ पर्सन हम लोग ले लेते हैं कितना हो सकता है। तो चूंकि ये पैरेलल दो समानांतर रेखा है तो दो समानांतर रेखा में हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मिनिमम जो क्वेश्चन पूछता है वो कम से कम आपको 6% का होता है या 8% हो सकता है या 10% हो सकता है या 12 हो सकता है या 14 हो सकता है, यानी 6 लोग इस तरह से दो समानांतर पंक्तियों में बैठे हुए हैं कि उनका चेहरा क्या है आमने सामने में है। तो आमने सामने में दिया रहता है, यानी अगर हम लोग यहाँ से चले तो जो मेरा पहला टाइप हुआ वो देखो इस तरह से होता है कि आपको दिया रहेगा कि कुछ लोग हैं जो दो समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि उन सभी का चेहरा क्या है एक दूसरे के आमने सामने है, साथ साथ ये सारे जो है समान दूरी पर बैठे हुए हैं, इनके बीच जो दूरियां होती है ये जो डिस्टेंस होता है ये भी आपको दिया रहेगा कि क्या है ये समान है।
जब ये समान रहेगा तो क्या होगा, इन दोनों का जो चेहरा है वो क्या होगा, एक दूसरे के आमने सामने हो जाएगा। अब इस तरह के प्रश्न में हम लोग जो है, एक तो यह हो गया मेरा क्या टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ पर आपको कुछ लोग आमने सामने बैठे हुए, इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो इसमें आपको एक ये हो सकता है कि आपको ये वन वेरिएबल क्वेश्चन हो। वन वेरिएबल कहने का मतलब केवल नाम होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपको एक वेरिएबल की जगह पर यहाँ पर टू वेरिएबल हो जाएगा। जैसे मान लो ये सारे अलग अलग बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, या ये अलग अलग कंपनी से बिलोंग करते होंगे, अलग अलग शहर से होंगे, इस तरह का आपको यहाँ पर एक प्रश्न में इंफॉर्मेशन और दिया होगा, तो वो टू वेरिएबल हो जाता है। टू वेरिएबल के बाद यहाँ पर अब हम यहाँ पर एक चीज़ और रख सकते हैं क्या, कि मैक्सिमम हम यहाँ पर एक थ्री वेरिएबल डाल देते हैं, कि हो सकता है कि कुछ और दिया हो तो तीन वेरिएबल हो गया। अब तीन वेरिएबल के साथ साथ, अब देखो इन एडिशन टू ये वन वेरिएबल, टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल, अब जो मॉडर्न हमारा ट्रेंड चला, अभी जो आपको क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टाइप है क्या, ब्लड रिलेशन। क्या होता है कि पैरेलल लाइन में तो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन साथ साथ क्या है कि वो उनमें एक रिलेशन भी दिया रहता है। तो ये वन वेरिएबल में भी रिलेशन आ सकता है, टू वेरिएबल में भी रिलेशन आ सकता है, और थ्री वेरिएबल में भी रिलेशन के साथ आप, यानी तीन तरह का प्रश्न तो आप बना ही सकते हो। वन वेरिएबल विथ ब्लड रिलेशन, टू वेरिएबल विथ ब्लड रिलेशन, थ्री वेरिएबल विथ ब्लड रिलेशन। अब देखो इसके साथ साथ एक और प्रश्न आने लगा जो अब परीक्षाओं में पूछा जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि देखो ये वैकेंट सीट का क्वेश्चन होता है। किस तरह का है, तो वैकेंट सीट, वैकेंट सीट यानी खाली स्थान होगा। जैसे आपको स्टार्ट में ही बता देगा कि जो लाइन है वो 12 लोगों का लाइन है, जबकि यानी प्रत्येक रो में छः छः लाइन आपको यह ड्रॉ करना होगा, और साथ साथ जो है यानी बैठने का जो व्यवस्था है 6 लोगों का है, लेकिन बैठेंगे 5 ही लोग। तो जैसे मैंने यहाँ पर 4 लोगों के लिए बनाया, तो 3 4 लोग की जगह पर यहाँ पर बैठेगा 3, एक क्या होगा ये खाली रहेगा। इस स्थिति में आपको यह प्रश्न दिया जाएगा, जो आजकल का मॉडर्न ट्रेंड है वहाँ पर यह वैकेंट सीट आ गया। अब इसी के साथ साथ मैं एक और मॉडर्न आपको बताता हूँ, जो अभी न्यू न्यू यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। वो इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि जैसे देखो, अब अगर पुराना इतिहास उठा के देखोगे तो ये जो पहला टाइप है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर आया है, यानी सारे के लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। अब क्या एक और आ सकता है, तो एक आ सकते के बारे में हम लोग अगर चले, तो देखो अब क्वेश्चन का ट्रेंड इस तरह से हो गया। अब आपको क्वेश्चन देगा कि कुछ लोग जो है एक समानांतर पंक्ति में इस प्रकार से बैठे हैं, दो समानांतर पंक्तियों में, कि कुछ का चेहरा आमने सामने है। यानी अगर इस तरह से बनाया जाए तो एक ये हो गया, देखो कुछ का चेहरा आमने सामने है, कुछ का चेहरा आमने सामने है, और कुछ का चेहरा यानी या तो वो एक दूसरे के अपोजिट है या फिर वो एक दूसरे के पीछे पीछे है। यानी देखो अपोजिट है तो इस तरह से बन जाएगा, और पीछे पीछे है तो वो इस तरह से हो जाएगा, यानी उसके पीछे ठीक पीछे लिखा रहेगा। जैसे स्कूल के बेंच पर हम लोग बैठते हैं, तो क्या होता है कि अगर एक का चेहरा बोर्ड की ओर है तो ठीक उसके पीछे बैठे वाले पर्सन का भी चेहरा क्या होगा, बोर्ड के ही ओर होगा। या इस तरह से हो सकता है कि अगर हम लोग दो व्यक्ति इस तरह से बैठे हुए हैं कि हमारे बैक जो है वो एक दूसरे की ओर है, और हमारा चेहरा जो है वो क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा। तो यह जो क्वेश्चन है यह एक मॉडर्न ट्रेंड है, यह अब नए समय का क्वेश्चन है जो अब परीक्षाओं में पूछ रहा है और पूछ सकता भी है आने वाले समय में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो टाइप का क्वेश्चन आया। अब इसके साथ साथ भी हम लोग इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, यानी यहाँ पर भी क्या होगा, ये वन वेरिएबल हो सकता है, ये टू वेरिएबल हो सकता है, ये थ्री वेरिएबल हो सकता है, और साथ साथ इसमें आपको वैकेंट भी दे सकता है और ब्लड रिलेशन भी दे सकता है। इससे क्या होता है कि इसके जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई हो जाता है, और एक हाई लेवल ब्लड ये पैरेलल लाइन का क्वेश्चन जो है फिर आपका उस स्थिति में तैयार हो जाता है। तो पैरेलल लाइन के क्वेश्चंस के ये सारे हम लोगों ने अभी यहाँ पे टाइप्स देखे। अब मैं बताता हूँ कि इसके क्वेश्चन का बनाने का कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, और क्वेश्चन के द्वारा हम मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व किस प्रकार करना है। मेरे प्रिय छात्रों, अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि देखो प्रश्न में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या दिया जाता है। तो प्रश्न में इन्फॉर्मेशन में आपको ये दिया जाता है कि जैसे दो रो है, देखो एक क्या कहेगा कि रो वन है, रो वन में सभी का चेहरा क्या है तो दक्षिण की ओर है। फिर कहेगा कि एक रो टू है जिसमें सभी का चेहरा क्या है तो उत्तर की ओर है। साथ ही साथ ये लिखा रहेगा कि ये रो वन रो टू में
नंबर ऑफ पर्सन में दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं आपको कि कहता है कि रो वन में 5 व्यक्ति है और रो टू में भी 5 व्यक्ति है, इस प्रकार से कि रो वन वाले का सभी का चेहरा जो है वो दक्षिण की ओर है और रो टू वाले सभी का चेहरा क्या है उत्तर की ओर है। अब क्या होता है कि जैसे एज ए स्टूडेंट देखे तो जैसे स्टूडेंट्स देखते हैं कि अच्छा देखो 5 आदमी है, अब 5 आदमी है तो वो क्या करते हैं कि वो आप सीधा इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया और पांच हो गया। आप इस तरह से क्या करोगे कि आप क्वेश्चन में पढ़ते के साथ आपने वहाँ पर इसके लाइन को डिज़ाइन कर लिया कि देखो ये यहाँ पर होगा, ये आप इस तरह से 5 व्यक्ति होगा, 5 आगे 5 ऊपर 5 नीचे, सभी का चेहरा एक दूसरे के आमने सामने हो गया। अब जैसे क्या होता है कि यहाँ पर जब आप इस तरह का स्टार्ट में ही आपने जैसे पढ़ा और क्वेश्चन के लाइन को यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लिया कि देखो 5 इधर हो गया 5 इधर हो गया, तो क्या होता है कि यह एक गलत प्रोसेस होता है। हम लोगों को जो भी जितने भी छात्र मेरे होते हैं मेरे हैं और जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि यह एक बहुत ही गलत प्रोसेस है। आपको क्या करना है कि ये फॉलो नहीं करना है। ये क्या होता है इसमें हम लोग यहाँ पर बंध जाते हैं, बंध जाते हैं इन द सेंस कि मेरे पास जो संभावनाएं होती है वो बहुत सारी होती है और यहाँ पर हमको उनको ढूंढना होता है इन्हीं 5 लाइनों के बीच में। तो कई तरह के आपके जो है ना पॉसिबिलिटीज़ निकलते जाएंगे डायग्राम को बनाने का, ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो ये एक रॉन्ग प्रोसेस है। सो हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह से प्रश्न आपको कहेगा उसको हम लोग प्रश्न के अनुसार वहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि डायरेक्शन याद रखना, कि जब वो ये कहता है कि देखो इसका चेहरा उत्तर की ओर है या इसका चेहरा दक्षिण की ओर है, तो उत्तर और दक्षिण में हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन याद करते हैं कि देखो डायरेक्शन में क्या होता है कि अगर हम लोग ये चले, ये हमारा डायरेक्शन चार्ट है, तो ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो नॉर्थ और साउथ के कंसेप्ट में अंतर ये होता है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होता है। जब मेरा चेहरा नॉर्थ की ओर है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे लिए राइट होता है और ये इधर लेफ्ट होता है, जबकि जब हमारा चेहरा साउथ की ओर होता है तो ये राइट हो जाता है और ये लेफ्ट हो जाता है। यानी अगर कोई बंदा जैसे मान लो खड़ा है तो इस बंदे के दायां हो गया ये, तब जब आपका चेहरा किधर है नॉर्थ की ओर ही है और ये क्या हो जाता है बायां। लेकिन जब हम लोग इसी ग्राफ को उल्टा बनाते हैं, यानी एक व्यक्ति है जिसका चेहरा दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर के सेंस में क्या होगा कि इस व्यक्ति के लिए लेफ्ट इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो मेरे छात्र हैं या जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ आप क्या करो इस प्रश्न को बनाने से पहले, जहाँ पर आपको ये प्रश्न बनाना है, आप सिंपली जो ये मैं यहाँ पर लिखा हूँ रो वन और रो टू, आप पहले ये रफ में शुरू के प्रैक्टिस सेशन में जब आप अभी स्टार्टिंग एज में हो तो आप ऐसे लिख लो कि देखो ये रो वन है और साथ साथ इसमें जो भी हो मान लो PQRS है या ABCD है उनका सारे का नाम लिख दो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने के लिए। यहाँ देखो इसमें PQR है, एक दो लिख दो उससे काम चल जाएगा। साथ ही आपको क्या करना है यहाँ पर एक छोटा सा एक उल्टा डाउनवर्ड एरो बनाना है क्योंकि इसका चेहरा किधर है साउथ की ओर है, और यहाँ पर आप मेंशन कर दो कि ये लेफ्ट है और ये राइट है। यानी यहाँ पर जितने भी बंदे बैठेंगे उन सभी का चेहरा साउथ की ओर होगा और उनके लिए ये क्या होगा ये राइट होगा और ये डायरेक्शन लेफ्ट होगा। और साथ ही साथ क्या करो उसके ठीक सामने एक ये एक और हम लोग वर्टिकल एरो बना लेते हैं, इसमें क्या होगा ये राइट हो जाएगा, यानी इधर सारे के लिए राइट है और इधर सारे के लिए लेफ्ट है। एंड देन उसके बाद आप क्या करो एक छोटा सा यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दो और जो भी बाकी आपको दिया हुआ है वो आप यहाँ से शुरू करो। लेकिन शुरू भी किस तरह से करना है वो मैं अब आपको आगे वाले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पर उसको कैसे बनाएंगे। यानी मैं आपको यह सिखाऊंगा कि हम लोग इसको बेसिक से पहले सीखते कैसे। जब हमें बेसिक आ जाएगा तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको उससे थोड़ा सा एक हार्ड प्रश्न लाऊंगा, और धीरे 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 करते करते आप 8-10 वीडियो जब मेरा ये देखते रहेंगे लगातार, तो मैं देखिएगा आपकी जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा। अब मैंने जितने टाइप्स यहाँ पर आपको डील किया, जो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल वैकेंट सीट और रिलेशन बेस्ड, मैं इस पर सारे पर आपको एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप उसको देखते जाओ और उसे बनाते जाओ। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि 12 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल ईच इन सच ए वे दैट देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन।
इन रो वन पी क्यू आर एस टी एंड भी आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। एंड इन रो टू, सॉरी एक ये लाइन दोबारा आपको यहाँ पर प्रिंट कर दिया गया है, फिर से आपको वैसी लाइन को दिखा दिया है। आगे वाले में हम लोग पढ़ेंगे ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ। यानी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो दो लाइन एक बार आ चुका है तो इसको मैं काट देता हूँ कि कहीं किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। दीज आर सम टाइपिंग मिस्टेक्स, ये क्वेश्चन में होता रहता है। तो आइए, कहता है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, दे आर फॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन ए रो फेसेस अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो। यानी एक रो के जो मेंबर है वो दूसरे रो के मेंबर को फेस करते हैं। तो मैंने जैसे आपको भी बताया, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक रफ तैयार कर लेते हैं। रफ किस तरह से, तो रो वन, तो देखो ये रो वन है, इसका चेहरा किधर होगा, साउथ की ओर होगा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। मैंने आपको पहले क्या कहा, हम लोग शुरू के क्वेश्चन में क्या करते हैं, मेंशन करते हैं इसमें पी क्यू आर एस टी भी जो भी है वो है। फिर साथ साथ यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ये रो टू है, इसमें ए बी सी डी है, और ये हो गया इसके लिए राइट और ये हो गया लेफ्ट। अब क्या करो, एक छोटा सा यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लो, इसको सेपरेट कर दो। मान लो दो सिचुएशन लेना भी है तो एक बना लोगे तो दूसरे में आपको ध्यान में रहेगा कि आपको किस तरह से इसको लिखना है। अब कहता है ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताता हूँ, जैसे हिंदी में अगर ये क्वेश्चन होता तो लिखा रहता कि ए जो है वो डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो जब आपको यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देखो ये ऑफ लगाओ, जिसके साथ ऑफ लगा होता है उस बंदे को हम लोग सबसे पहले बैठाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी को बैठा देंगे। क्या कहता है, ए सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो पहला नहीं दूसरा नहीं तीसरा, ये क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। जब ये चार लाइन मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी चार लाइन इसके साथ साथ ऊपर से नीचे बना लेंगे। अब आपको आगे कहता है नाइदर ए नॉर डी सीट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स, ना तो ए और ना ही डी जो है वो कोना पर है। सॉरी यहाँ पर ए होगा, इसमें ए कर देता हूँ। तो क्या कहता है कि ना तो ए और ना ही डी कॉर्नर पर, ए नहीं ये कॉर्नर पर नहीं है, तो कम से कम एक बंदा तो इधर होगा ही, एक इधर भी होगा। अब चलो देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पर बना दिया। अब इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा ये जो छः लाइन था, देखो एक दो तीन चार पाँच छः, छः छः लाइन हम लोगों का तैयार हो जाता है। अब आगे लाइन पे से हम लोग पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वो बोलता जाएगा हम लोग उसको फिल करते चलेंगे। कहता है टी फेसेस डी, टी किसको फेस करता है, तो डी को फेस करता है। फिर क्या कहता है, यहाँ पर आपका टी आ गया, टी फेसेस डी। फिर आपको कहता है भी डज नॉट फेस ए एंड भी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। एंड फिर एक लाइन और कहता है भी इज नॉट एन एक्सट्रीम इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब देखो आप ये रफ वर्क करो, कहता है भी जो है वो टी का नेबर नहीं, देखो भी यहाँ नहीं होगा, भी यहाँ नहीं होगा, भी ए को फेस नहीं करता है, भी यहाँ नहीं होगा। तो चार स्थान तो भी के लिए कट गया, एक पे तो टी बैठा हुआ है, भी के लिए बचा कौन सा, ये वाला। नाउ आगे आपको कहता है कि बी सीट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, बी किसी कोना पर है, एंड ओनली टू पीपुल सीट्स बिटवीन बी एंड ई, केवल दो व्यक्ति जो है वो किसके बीच बैठा है, तो बी और ई के बीच बैठा है। तो देखो बी तो इस कॉर्नर पे भी हो सकता है और बी इस कॉर्नर पे भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक पे रख सकते हैं। आपको कहा क्या कि बी और ई के बीच में दो लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पर एक रफ तैयार करते हैं ऐसा कि देखो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर बी को ले कर चलूँ कि देखो ये बी है, तो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। आप आगे वाले लाइन में देखोगे, कहता है कि ई डज नॉट फेस बी। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये किसको फेस कर रहा है, ये तो बी को फेस कर रहा है, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। यानी हम ये वाला डायग्राम नहीं बना सकते, मेरा जो बी का परफेक्ट सही जो जगह होगा वो ये होगा। मैं यहाँ पे बी को रख दूंगा तो ये हो जाएगा कौन सा, ई। फिर कहता है टू पीपुल सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब देखो आर भी नेबर नहीं है किसका, टी का, तो आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ नहीं आएगा। अब आर और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, तो आर और क्यू के बीच में दो लोग हैं, तो आपका डायग्राम ये होगा। अब देखो आर को अगर हम यहाँ पर रखते हैं ये इस पोजीशन पर आर को, तो एक गैप दो गैप के बाद ये तो टी है, यहाँ पर हो नहीं सकता है, तो आर का जो परफेक्ट जगह है वो कौन सा हो जाएगा, वो होगा ये, और एक गैप दो गैप के बाद यहाँ पर आ जाएगा क्यू। नेक्स्ट फिर कहता है कि सी डज नॉट फेस भी। देखो अब सी डज नॉट फेस भी यानी सी यहाँ नहीं है, तो अरे ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, डी हो गया, ये जगह बच रहा, तो यहाँ पर हम सी लिख देंगे।
खाली स्थान यहाँ पे भरने के लिए एक ही नाम बच रहा है, वो कौन सा है? वो ऐप है। तो ये हो गया। अब लास्ट लाइन पढ़ेंगे। लास्ट लाइन में कहता है पी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ आर। पी जो है वो आर का नेबर नहीं, यानी पी जो है वो इस पोजीशन पर नहीं आएगा। तो पी वहाँ नहीं आएगा तो पी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर के लिए आपको क्या बच जाएगा? यहाँ पर के लिए एस बच जाएगा। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पैरेलल लाइन के क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम लोग किस तरह से ड्रॉ करिए। देखें, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम लोग क्या करते हैं, शुरू शुरू में लाइन को ड्रॉ नहीं करते। जब से जैसे ये क्वेश्चन बोलता जाएगा, आप क्वेश्चंस को यानी लाइन्स को बढ़ाते चले जाना। आपका ये पजल है वो, या जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। अब मिलते हैं हम लोग इसके अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँगा, या मैं आपको ये वन वेरिएबल हो गया, टू वेरिएबल क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं वहाँ पर हम